प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रोजेक्टाइल किसे बोलते हैं? मैंने एक पत्थर लिया, मैंने पत्थर को उठा के फेंका, पत्थर गया ग्राउंड से और ग्राउंड पे गिर गया, स्ट्रेट नहीं लिया जाएगा पत्थर कभी भी, वो ऐसा कर्व फॉलो करेगा। मैं टॉप ऑफ बिल्डिंग पे चढ़ गया, यहाँ पे चढ़ गया, मैंने अपनी तरफ से पत्थर को स्ट्रेट फेंका और वो स्ट्रेट नहीं गया, वो आगे भी गया लेकिन ग्रेविटी की वजह से वो नीचे भी आता गया। तो पाथ फॉलोड स्ट्रेट नहीं होगा, पाथ फॉलोड कर्व होगा। इस कर्व की शेप होती है पैराबोला, मैथ में पैराबोलिक बोलते हैं। तो ये शेप पैराबोलिक इन नेचर है, चाहे ऐसे लो, चाहे आप फुटबॉल को किक करो कुछ इस तरीके से जैसे इस डायग्राम में मैंने दिखाया है, ये रहा, ऐसे किक करो, ये सब पैराबोलिक इन नेचर है। तो उस बॉडी को जो ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है रास्ता, उस बॉडी को प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। अब कोई अगर आर्मी वाले मिसाइल लॉन्च करते हैं, मिसाइल फेंकते हैं, तो टैंक से जाती है, किसी एंगल पे जाती है और जमीन पे गिरती है, पैराबोला, तो वो प्रोजेक्टाइल है। मिसाइल इज अ प्रोजेक्टाइल। मैं एक पत्थर फेंकता हूं तो ठीक है पैराबोला, तो वो प्रोजेक्टाइल है। कोई भी चीज अगर मैं ऐसे फेंक देता हूं जिसके अंदर कोई इंजन, कोई फ्यूल कुछ नहीं है, ग्रेविटी के असर में अपने आप नीचे गिरती जाती है, तो वो प्रोजेक्टाइल है। तो प्रोजेक्टाइल तो एक बॉडी है, और जो मोशन फॉलो करती है पैराबोला, उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल इज द नेम गिवन टू एनी बॉडी विच वंस थ्रोन इनटू स्पेस विद सम इनिशियल वेलोसिटी, हवा में फेंक दो इनिशियल वेलोसिटी के साथ, मूव देयर आफ्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन। बस ग्रेविटी एक ऐसी चीज है जो नीचे ला सकती है, विदाउट बींग प्रोपेल्ड बाई एनी इंजन या फ्यूल, इंजन फ्यूल तो है नहीं। तो ऐसे केस में दी पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स ट्रेजेक्टरी। देखो पाथ को ट्रेजेक्टरी बोलते हैं फिजिक्स में। जैसे आप स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, एक स्टेटमेंट है कि आप स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, फिजिक्स वाले बोलते हैं देखो आपका पाथ, आपकी जो ट्रेजेक्टरी है वो स्ट्रेट लाइन है। आप टेक्निकल लैंग्वेज समझ रहे हो, बात वही है, आप स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हो, आपका पाथ स्ट्रेट लाइन है, नहीं नहीं आपकी ट्रेजेक्टरी स्ट्रेट लाइन है। तो मिसाइल है उसकी ट्रेजेक्टरी पैराबोला है, तो पाथ को ट्रेजेक्टरी बोल देते हैं, राइट। तो जैसे इस चैप्टर में हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को दो तरीके से फेंकेंगे, आपके न्यूमेरिकल 95% दो तरीके से आएंगे। पहला न्यूमेरिकल आएगा, आप टॉप ऑफ द टावर पे चढ़ जाएंगे, आप हॉरिजॉन्टल किसी पत्थर को फेंकेंगे सीधा सीधा, पर वो एक्चुअल में ग्रेविटी के चक्कर में नीचे गिर जाएगा, एक केस है। तो ये पहला केस है। दूसरा केस, आप फुटबॉल को किक करेंगे, आप मिसाइल को फेंकेंगे, आप पत्थर को फेंकेंगे, पत्थर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ये दो टाइप की प्रॉब्लम आपके उसमें आएंगी प्रोजेक्टाइल में। न्यूमेरिकल भी इन्हीं दो टाइप पे आएंगे। तो ये वाला टाइप सिर्फ ये नहीं है कि टावर पे चढ़ के ही पत्थर फेंकने होते हैं, आपको एक ही प्रॉब्लम आएगी, बट टावर पे चढ़ना पत्थर फेंक दो टावर पे पत्थर, ऐसा थोड़ा ना। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक हेलीकॉप्टर में है, हेलीकॉप्टर मूव कर रहा है विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, आपने फूड का पैकेट नीचे ड्रॉप कर दिया। अब आपने अपनी तरफ से ड्रॉप किया और मोशन क्या कहता है, फूड का पैकेट तो हेलीकॉप्टर के अंदर है, हेलीकॉप्टर की स्पीड हॉरिजॉन्टल क्या है 15, तो फूड पैकेट की स्पीड भी क्या है 15, तो जैसे रिलीज करोगे वो 15 के साथ आगे जाएगा लेकिन ग्रेविटी नीचे खींच के उसे यहां गिर देगी। तो ये वही एग्जांपल तो वही है, टॉप ऑफ द टावर पे चढ़ के पत्थर फेंकना है, हेलीकॉप्टर से क्योंकि ड्रॉप करना एक ही बात है, बस टावर पे चढ़ के मैं फेंकूंगा, हेलीकॉप्टर में सिर्फ ड्रॉप करूंगा। तो सोचो मैंने ड्रॉप कर दिया तो 10 मीटर पर सेकेंड से चल पड़ा। तो जब भी बॉम्ब गिरे जाते हैं वॉर में तो ऐसे गिरे जाते हैं बॉम्ब, आपको फाइटर प्लेन जा रहा है वो कहेगा दुश्मन नीचे, अच्छा अच्छा तो ड्रॉप, ऐसे थोड़ा ना होता है। फाइटर प्लेन की स्पीड देखो ना क्या है, 2 मैक 3 मैक 4 मैक 5 मैक 10 मैक मैक, समझते हो, नहीं ब्लेड के नाम नहीं है जिलेट के 4 3 मैक मैक 3, वो नहीं है। मैक का मतलब होता है कि 2 मैक का मतलब कि आपकी फाइटर प्लेन की जो स्पीड है वो साउंड की स्पीड से डबल है, 332 की स्पीड है इंटू 2, 664 की स्पीड से रॉकेट मूव करेगा। 3 मैक का जो रॉकेट होता है वो 3 गुना स्पीड ऑफ साउंड, 10 मैक 10 इंटू स्पीड ऑफ साउंड। तो सोचो वो साउंड जनरेट करता है, साउंड बहुत देर बाद आती है, रॉकेट गया था, रॉकेट तो निकल लिया जब तक, तो सोचो 10 गुना स्पीड, तो 10 पता नहीं कितनी देर बाद साउंड निकलेगी जब वो आएगा, है ना कमाल की चीज।
ठीक है यहां तक? तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो इसके अंदर जैसे पहली प्रॉब्लम आएगी, इसमें समझने वाली सिर्फ दो ही चीजें हैं। अगर आपको समझ में आ गई तो सारे न्यूमेरिकल आपके ठीक हो गए, और अगर आपको नहीं समझ में आई तो सारे न्यूमेरिकल आपके गलत भी हो गए। बस या तो सारे ठीक हैं या सारे गलत हैं। अब आप ये देख लो कि आपको कॉन्सेप्ट कैसे पकड़ना है। सपोज करो आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल फेंका विद अ स्पीड ऑफ 10, अपनी तरफ से आपने हॉरिजॉन्टल फेंक दिया। सोचो ग्राउंड ना होता, अर्थ ना होती, ग्रेविटी ना होती, मतलब ही नहीं है कि ये पत्थर नीचे आ जाए। ये कैसे जाएगा? हॉरिजॉन्टल ही जाता जाएगा, हमेशा जाता जाएगा विद द स्पीड ऑफ 10 10 10 10 10 10। कोई डाउट यहां तक? क्लियर है? पर होता नहीं ऐसा। जैसे ही आपने उसको रिलीज किया, उस टाइम उस इंस्टेंट पर उसकी स्पीड हॉरिजॉन्टल 10 थी, और वर्टिकल स्पीड क्या थी? इनिशियल 0। वर्टिकल स्पीड इनिशियल 0। जैसे ही आपके हाथ से वो छूटा, ग्रेविटी ने अपना रोल प्ले करना शुरू कर दिया, साथ की साथ उसे नीचे आना शुरू कर दिया। अब वो पत्थर आगे भी जा रहा है क्योंकि आपने उसको आगे की वेलोसिटी दी, और ग्रेविटी के चक्कर में वो नीचे भी आ रहा है, और फाइनली वो यहां आके गिर गया। तो अगर मैं ये पूछूं कि ये प्रोजेक्टाइल यहां से यहां आया, इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट्स कवर की? दो, एक वाई एक्सिस के अलोंग ये एच कवर की, क्योंकि जब ये यहां से यहां आया उसने हाइट एच कवर कर ली, और साथ ही उसने क्या कवर कर लिया? एक्स भी कवर कर लिया। तो उसके कितने कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं एट अ टाइम? दो। वो वाई भी कोऑर्डिनेट चेंज कर रही है और वो एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज कर रही है। तो इसका मतलब ये समझें कि इसके दो कोऑर्डिनेट्स एट अ टाइम चेंज हो रहे हैं। तो हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं? मोशन इन 2D स्टार्ट हो गया, या फिर कई लोग बोलते हैं आपकी बॉडी इस प्लेन में मूव कर रही है, ये प्लेन बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन। तो इस चैप्टर का नाम है मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन 2D, एक ही बात है। क्लियर है यहां तक? तो इसके अंदर मैंने इस ऑब्जेक्ट को 10 के साथ आगे फेंका था। मैंने मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि नीचे गिरे, मैं तो चाहता था हॉरिजॉन्टल जाए, बात खत्म। अब ये बताओ कि हॉरिजॉन्टल में ग्रेविटी एक्ट करती है? मेरा मतलब कि अर्थ हमें वहां खींचती है? नहीं, अर्थ हमें कहाँ खींचती है? नीचे खींचती है। तो इस एक्सिस में, एक्स एक्सिस में कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही जो इसकी स्पीड को या एक्सलरेशन जनरेट कर सके, इसकी स्पीड को कम या ज्यादा कर सके, क्योंकि स्पीड कम या ज्यादा करने के लिए क्या लगानी पड़ती है? फोर्स। वाई एक्सिस में तो फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एक्स में तो फोर्स ही नहीं है। तो एक्स में क्योंकि फोर्स नहीं है, एक्सलरेशन नहीं है, और जब एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी कांस्टेंट। तो ये ऑब्जेक्ट आगे 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 जाता जाएगा विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 10 10 10 एंड 10, जब तक गिर नहीं जाता। यानी कि हॉरिजॉन्टल में इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन या फोर्स है ही नहीं। लेकिन अगर हम फिर से शुरू करें वाई एक्सिस में, देखो 2D में एक प्रॉब्लम है, 2D में ये प्रॉब्लम है, पहले X की सिचुएशन अलग समझनी पड़ती है और Y की सिचुएशन अलग समझनी पड़ती है। तो मैंने पत्थर को गिरा, वो नीचे गिरा, अभी मैंने कौन सी वेलोसिटी को मेंशन किया? X। तो X की वेलोसिटी कांस्टेंट है, खत्म। अब मैं बात करना चाहता हूँ Y की। चलो फिर से पत्थर गिरते हैं, अब Y को देखना है। जब Y को देखना है तो Y को देखना है, फिर X को नहीं देखना, और जब X को देखना है तो फिर Y को नहीं देखना। तो इसके अंदर जब Y मोशन को देखते हैं तो Y की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। जैसे ही ग्रेविटी के लपेटे में आई, ग्रेविटी ने खींचना शुरू कर दिया, एक्सेलरेशन हो गई, वेलोसिटी बढ़नी स्टार्ट हो गई। डायरेक्शन वेलोसिटी की बढ़ने की क्या है? एक्स की वाई, वाई, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? वाई की। तो वाई की वेलोसिटी इनिशियली 0, फिर अगले इंस्टेंट पर इंक्रीज 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 इंक्रीज, जब तक गिर नहीं जाती इंक्रीज। वो कुछ भी रैंडम वैल्यू हो सकती है, मैंने तो कुछ भी लिख दिया 0 2 3 4, कुछ भी, पर कुछ भी अचीव करेगी। क्या है पॉइंट? क्लियर है? तो एक्स एक्सिस में बॉडी की वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होगी, वाई एक्सिस में बॉडी की वेलोसिटी हमेशा चेंज होगी। वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन नहीं है, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है। कोई डाउट इसमें?
में कोई एयर की रेजिस्टेंस, एयर की फ्रिक्शन नहीं कंसिडर करनी। और दो चीजें और मिला लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्टडी करवानी पड़ जाएगी इसको छोड़ के। एयर का कोई रोल नहीं है, कोई हवा हुआ नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब इस केस में जब 2D मोशन स्टडी की जाती है तो वो दो बार स्टडी करते हैं, 1D एंड 1T, 1D में अलग, 1D में अलग, y में अलग, x में अलग। तो जब x की बात होती है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, आगे तो जा ही रही है बॉडी, और y की बात होती है तो y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती जा रही है? इंक्रीज, राइट। अब किसी ने यह पूछा कि बताओ इस इंस्टेंट पर बॉडी की नेट वेलोसिटी क्या है, टोटल वेलोसिटी क्या है, मुझे एक वेलोसिटी बताओ नेट, दो मत बताओ। तो कोई बात नहीं, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, नेट वेलोसिटी के लिए क्या करूं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दो वेलोसिटीज का वेक्टर सम कैसे निकलता है, यहां पर क्या ड्रॉ करेंगे, पैरेललोग्राम। तो ये क्या आएगा, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट पता है क्या आएगा, 10² + 3² क्योंकि आपस में दो वेलोसिटीज हमेशा कितने एंगल पर होंगी, 90, तो नेट वेलोसिटी भी आ जाएगी। तो चाहे नेट वेलोसिटी पूछ लो, चाहे अलग अलग वेलोसिटी पूछ लो, मैं दोनों पर आंसर दे सकता हूं, पर नेट वेलोसिटी सीधी नहीं आ सकती। अगर आपको नेट वेलोसिटी निकालनी है तो आपको पहले x की वेलोसिटी अलग निकालनी है, y की अलग निकालनी है, फिर लगेगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसलिए वेक्टर करवाया था पहले इसके लिए, क्योंकि आपको नेट वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। क्लियर है यहां तक? तो अब इस केस में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है 10, एज देयर इज नो एक्सेलरेशन मैंने लिख दिया। तो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन कहां पर एक्ट कर रही है, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है, इसमें सेकंड केस सुनो। आपने एक मिसाइल या चलो एक फुटबॉल को किक किया, आपने फुटबॉल को यहां जमीन पे किक किया, और आपने कितनी वेलोसिटी से किक किया, 10। देखो फुटबॉल को किक कैसे करते हैं, क्या ऐसे करते हैं, नहीं ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, नहीं किसी एंगल पे करते हैं ताकि वो एक एंगल बनाए, ऐसे। तो ये मैंने 60° पे ऐसे किक किया, कर तो कैसे भी सकते हैं, पर अगर प्रोजेक्टाइल मोशन दिखाना है तो किसी एंगल पे करना पड़ेगा, 60° पे कर दिया, और कितनी वेलोसिटी से, 10। ये 10 कौन सी वेलोसिटी है, जब मैंने उसको किक किया था, यानी कि ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। तो 10 m/s की कौन सी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है। कोई डाउट इसमें? तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 10 है। इसके दो कंपोनेंट्स हैं, पहला कंपोनेंट 10 cos 60, दूसरा कंपोनेंट 10 sin 60। क्लियर है यहां तक? तो इसका मतलब, किसी ने कहा कि सर आपने 10 m/s से बॉल को जो है किक किया, मैंने कहा हाँ किया, कितने एंगल पर किया, 60° पे किया। उसने कहा कोई और तरीका बताओ एक्सप्लेन करने का, मैंने कहा देख दूसरा मेथड समझ, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मैंने लगा दिया। तो मैंने ये समझाया कि मैंने बॉल को दो वेलोसिटीज दी, एक 10 cos 60 किस डायरेक्शन में, x, जिससे बॉल कहां जा सके, x एक्सिस के अलोंग, और दूसरी 10 sin 60। सॉल्व करोगे वैसे 8.6 आ रहा है, मैंने गलती से 86.6 कर दिया, पर चलो जो भी है, 86.6 इन वर्टिकल डायरेक्शन, ताकि मैं चाहता था बॉल ऊपर भी जाए, बॉल आगे भी जाए। तो वो समझ गया कि आप ये चाहते हो बॉल आगे भी जाए, ऊपर भी जाए, यानी कि कहीं प्लेन में जाए, यानी कि 2D में जाए। समझ में आ रहा है यहां तक? तो कंपोनेंट्स क्यों किए थे समझ में आ रहा है? ये किक करते वेलोसिटीज हैं इसकी दोनों। अब क्योंकि एक्स एक्सिस में ग्रेविटी तो काम करती नहीं, एक्स एक्सिस में कोई फोर्स तो लग नहीं रही, तो एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन तो होगी नहीं, तो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो वेलोसिटी की वैल्यू अगर इनिशियल एक्स एक्सिस में 10 cos 60 है, पूरी जर्नी में जब तक बॉल इसको टच नहीं करती ग्राउंड को, 10 cos 60, 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 हॉरिजॉन्टल में एक बार फिर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। क्या ये बात समझ में हो रही है, समझ में आ रही है? चाहे यानी कि टावर से गिर दें बॉल को, चाहे ग्राउंड से ग्राउंड गिर दें, हॉरिजॉन्टल में तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, हॉरिजॉन्टल के अंदर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? वर्टिकल की बात करें, अब वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी मान लो 86.6 है, कुछ भी चलो वैल्यू अज्यूम कर लो। अब जैसी बॉल ऊपर जाती है ना, अब एक्स की जर्नी को छोड़ दो, वो तो पता है कि आगे जा रही है,
ऊपर की जर्नी कैसे कवर हो रही है, बॉल कुछ देर के लिए ऊपर जा रही है, फिर ऊपर जाना बंद कर देगी और फिर नीचे आना शुरू कर देगी। तो आधी जर्नी में बॉल ऊपर जा रही है, आधी जर्नी में बॉल नीचे आ रही है। तो ऊपर जाते हुए रिटार्डेशन है, नीचे आते हुए एक्सलरेशन है, क्योंकि ऊपर जाते हुए अगेंस्ट ग्रेविटी जाना है, तो 86.6, फिर वेलोसिटी 60, 50, 40, 20, करते करते टॉप मोस्ट पॉइंट पर 0। तो क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव, एक प्रोजेक्टाइल को हिट किया, एक बॉल को हिट किया, वो ऐसे गई टॉप मोस्ट पॉइंट पर, बोलो वेलोसिटी क्या होगी? 0 नहीं होगी। कहाँ होगी 0? ये है तो है 10 cos 60। वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी? 0। फर्क हो गया भाई, या वाई में कि एक्स में? वाई में वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि बॉल ने ऊपर जाना बंद किया, आगे जाना थोड़ा बंद कर दिया। बॉल को ऊपर जाके रुक थोड़ा गई, अब मैं रुक जाती हूँ ना, तो मैं ऊपर जाऊंगी ना मैं आगे जाऊंगी, फिर आगे चल पड़ती हूँ, ऐसा ना होता है। बॉल आगे तो सदा चली रही है, ऊपर जाना बंद किया, ऊपर की जगह अब नीचे आएगी। तो इसलिए ऊपर जाते हुए रिटार्डेशन है 86.6, कम 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 0, फिर उल्टी जर्नी, वेलोसिटी ने डायरेक्शन चेंज की, फिर एक्सलरेशन नीचे की तरफ, वेलोसिटी इंक्रीज 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 और इंक्रीज। क्या ये पॉइंट क्लियर है आप? तो देखो, तो इसके अंदर बॉल जब जा रही है तो वेलोसिटी क्या हो रही है इसमें? डिक्रीज 0, इंक्रीज इंक्रीज। आपने मोशन का चैप्टर किया, मोशन के चैप्टर में एक रिजल्ट है। क्या रिजल्ट है? अगर मैंने एक बॉल को ऊपर फेंका, इनिशियल वेलोसिटी 10, ऊपर जाते 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 वेलोसिटी 0, फिर इंक्रीज 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 इंक्रीज, मेरे हाथ में कितनी वेलोसिटी पे हिट करेगी? 10। ये रूल है, जितनी वेलोसिटी से बॉल को फेंका जाता है, बॉल वापस उतनी ही वेलोसिटी से वापस आती है। ये रूल यहां भी एप्लीकेबल है। बॉल की इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में अगर 86.6 है ना, तो जब ये लैंड करेगी तो किसी एंगल पे लैंड करेगी, टेढ़ी ऐसे गिरेगी। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के, वैसे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हमेशा ही हैं, एक एक्स में और एक वाई में। एक्स कंपोनेंट में तो देखो कोई चेंज आना ही नहीं है, y कंपोनेंट में, जिस y कंपोनेंट की वेलोसिटी से हमने इसको ऊपर फेंका था 86.6, उसी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी से वो नीचे भी आएगी 86.6, ये सेम रहती है। तो अगर ये 10 है तो ये 10 ही रहेगा, ये याद रखना है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो वेलोसिटी जाने की और आने की एग्जैक्टली सेम होती है। और एक और चीज बताऊं, अगर नेट वेलोसिटी 10 है तो यहाँ नेट वेलोसिटी भी 10 ही रहती है। हवा में एनर्जी लॉस तो है ही नहीं ना, तो आंसर वही सेम ही रहता है। चलो वो अलग बात है कैसे करना है, अगर रूल समझ में आ गया यहां तक। तो इसमें रूल वही है, इन अपवर्ड डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी डिक्रीज फॉर फर्स्ट हाफ, बिकम 0 एट द टॉप, देन इंक्रीज फ्रॉम 0 टू 86.6, पहले 86.6 से 0, फिर 0 से 86.6 इन सेकेंड हाफ। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, वो सब ही कांस्टेंट है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन है ही नहीं। कोई डाउट इसमें?